हेलो दोस्तों, देखो सैतार मूवी का ट्रेलर बहुत पहले आ चुका था और ट्रेलर मैंने भी देखा था और आप लोगों ने भी शायद देख ही लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में अब बात करने वाला हूँ। सबसे पहले तो बात करिए ट्रेलर मूवी के बारे में, तो मूवी एक रीमेक मूवी है और इस ट्रेलर को मैं जब देखा पहली बार तो मुझे भी ट्रेलर काफ़ी इंगेजिंग लगा, काफ़ी अच्छा है और मूवी बहुत अच्छी होने वाली है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों को मैंने पॉइंट किया जिसको मैं आपसे बताने वाला हूँ, जिस पर मुझे कुछ डाउट है। सबसे पहले बात करें तो मूवी रीमेक है, इसका ओरिजिनल बन चुका है, वस करके मूवी का नाम है, तो ये साउथ में मूवी बन चुकी है। दूसरी बात, ट्रेलर जो है दोनों का सिमिलर है, एकदम कॉपी लग रहा है और इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं दिख रहा है। और लास्ट मोमेंट में कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं ट्रेलर में जो दिख रहा है, लेकिन सारा कुछ सेम है। एक चीज़ ये है कि एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि दोनों सेम एक्ट्रेस है जिनको वस में किया जा रहा है। अब यहाँ भी ये लड़की बनी हुई है अजय देवगन सर की, तो इनको वश में करते हैं और उसमें भी लड़की को ही वश में करता है। तो सबसे पहले तो मुझे कुछ जो मेरे मन में सवाल है जिसकी वजह से मैं मूवी देखूंगा, वो सवाल ढूंढने के उसका आंसर ढूंढने के लिए जवाब ढूंढने के लिए देखना तो पड़ेगा, ये आप भी नहीं बता सकते। पहला सवाल है जो आर माधवन सर का है, आर माधवन सर का रोल है वो किस लेवल तक का है, वो क्या क्या कर सकते हैं और वो जो अपने आप को भगवान बता रहे क्या बता रहे, वो चीज़ मैं देखना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि केवल लड़की को ही बस में क्यों करते हैं, फैमिली में और भी मेंबर हैं, उनका अजय देवगन सर का लड़का भी है, उनकी पत्नी भी है, या फिर खुद उनको भी तो बस में किया जा सकता है अगर वशीकरण वो जानते हैं तो, लेकिन लड़की को ही क्यों चुना गया, ये चीज़ें मैं जानना चाहता हूँ। दूसरी बात, लड़की इतनी ज़्यादा पागल हो जाती है कि वो कुछ भी करने वाली है, कर सकती है, जिसका डर सबके अंदर बैठ जाता है, तो ये किस हद तक जा सकती है वो चीज़ देखने वाला हूँ। तीसरी बात, अगली बात ये है कि ट्रेलर के एंड में जो जंगल में लड़ाई हो रही है जिसमें एक लेडीज लड़ रही है कि कौन है, आदमी है कि क्या है, वो लेडीज जैसा ही कपड़ा पहन रखा है, क्या है, वो चीज़ मैं देखने वाला हूँ। और जो एक चीज़ मैंने नोटिस किया, जब वो बाइक से जा रहे हैं तो उनके हाथ में चक्कू लगा है, तो वो चक्कू किसने मारा था, हमें लग रहा है कि जब आर माधवन सर कहते हैं कि मेरे पास कोई भी आता है तो चक्कू मार देना, तो मुझे लगता है जब लड़की उनकी चक्कू मारती है तो वो हाथ में ही लगता है अजय देवगन सर का। अब इस चीज़ को देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ कि शायद उसी ने मारा है या फिर कहीं और ये चक्कू लगा हुआ हाथ में। अगली बात यह है कि ट्रेलर के एंड में बहुत सारा हाथ बीच में जाते हुए दिख रहा है, बहुत सारी पब्लिक है वहाँ पर, वो सबका हाथ है किसी चीज़ को पकड़ने वाला या फिर छू रहा है, वो क्या सीन है और वो इतने हाथ जो है वो किसके हैं, सारी लड़कियाँ हैं, महिलाएं हैं या फिर सभी पब्लिक है उसमें, या फिर ये आदमी को भी बस में कर रहे हैं या फिर बच्चे भी हैं या फिर बूढ़े हैं, कौन है क्या है, ये चीज़ों को देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ मूवी को।